तो फ्रेंड्स आज की हमारी वीडियो होने वाली है हाउ टू प्ले एवरी स्केल। ठीक है, कोई सा भी स्केल आप फ्रेटबोर्ड पे किस तरीके से प्ले कर सकते हो, चाहे वो मेजर का हो चाहे वो माइनर का हो। लेकिन आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना। मैं आपको क्या बताना हूँ, बस खाली मैं आपको ये बताना हूँ कि हमारा जो मेजर का स्केल होता है, मैं आपको इतना क्लोज क्यों कर दिया मैंने अपना फ्रेटबोर्ड, मेरे सारा काम ना आज अपना फ्रेटबोर्ड का है। तो आप कोई सा भी स्केल किस तरीके से प्ले कर सकते हो, मेजर का हो माइनर का हो। जैसे हमारा ए का स्केल, मैं आपसे बोल देता हूँ कि चलो ना मुझे ए का स्केल प्ले करके दिखाओ, या ए शार्प का स्केल प्ले करके दिखाओ, या ए शार्प माइनर का प्ले करके दिखाओ। अब क्या क्या सर मुझे नहीं आता, कहाँ पे प्ले करूँ, कैसे करूँ, मुझे नहीं पता। तो आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि मेजर के अंदर आपके कौन कौन से नोट होते हैं एंड माइनर के अंदर कौन कौन से नोट होते हैं। बिगिनर्स लेवल पे मैं लेसन बना रहा हूँ, क्योंकि बिगिनर्स बहुत ज़्यादा एडवांस तो बजा लेते हैं लेकिन बिगिनर्स प्ले नहीं कर सकते। एडवांस को तो आता होगा लेकिन बिगिनर्स के लिए मैंने लेसन बनाया। सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए मेजर के अंदर, जैसे कि मेजर के अंदर क्या क्या नोट प्ले होते हैं। सा रे गामा पा धा नी सा, हम हिंदी में सारे गामा पा धा नी सा बोलते हैं एंड इंग्लिश में बोलते हैं हम स्केल। तो अब मैं बोलता हूँ आपसे कि मुझे ए का स्केल प्ले करके दिखाओ, ए का। तो अब आपको सबसे पहले ये देखना है, नहीं सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ मेजर क्या होता है और माइनर क्या होता है। मेजर के अंदर सा रे गामा, गामा और नीसा, नीसा गामा और नीसा एक साथ होते हैं मेजर के अंदर। जैसे कि मैं आपको मेजर का स्केल प्ले करके दिखाता हूँ, सा रे गामा पा धा नी सा नी, ये देख रहे हो, सा नी और सा ये दोनों एक साथ हो गए, ये हमारे क्या हैं, सारे गामा पा धा नी सा, सारे गामा पा धा नी सा। ठीक है, ये क्या है हमारे सा, सारे गामा मा, सॉरी मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। ये हमारा कौन सा स्केल है, मैंने प्ले कर दिया, मुझे नहीं पता कौन सा स्केल है। हमारा सा, हमारा क्या है, हमारा सा जो बना है नोट वो क्या है, हमारा सा नोट जो है ये हो गया हमारा ई बी जी। सबसे पहले अपनी जो भी, मैं आपको बता देता हूँ कि जो हम स्केल किस तरीके से पता लगाएंगे कि हमारा स्केल है, हम इस तरीके से पता लगाएंगे कि पहले हमें इन नोटों के नाम पता होने चाहिए। नोट क्या, कि हमारा ये वाला नोट कौन सा है, ये मैंने प्रेस करा है, ठीक है ये मैंने प्रेस करा ये वाला नोट, तो ये नोट कौन सा है, ये नोट कौन सा है, ये नोट कौन सा है, ये कौन सा है, ये आपको ये पता होना चाहिए। पूरे फ्रेट बोर्ड किस तरीके से याद करना है, ऊपर आई बटन में लिंक देते हैं, उसके थ्रू जाकर चेकआउट कर सकते हैं। अब मेरा ये है ई ई ई स्ट्रिंग, ऊपर में ई बी जी डी ए ई, गिटार के अंदर ए से लेके जी शार्प तक हमारे नोट होते हैं, मेजर के भी और माइनर के भी। अब हमारा जो ई नोट है, ई के बाद क्या आता है, ए आता है हमारा, ए शार्प आता है, बी का शार्प नहीं होता, सी होता है, सी शार्प होता है, डी होता है, डी शार्प होता है, ई का शार्प नहीं होता, ठीक है। ई हो गया हमारा, एफ हो गया, एफ शार्प हो गया, जी हो गया हमारा, जी शार्प हो गया। अब ई ए वाला हो गया ओपन में, हमारी सबसे नीचे वाली स्ट्रिंग ये वाली ई हो गई ओपन में, मैंने यहाँ पे प्रेस करा, क्या हो गया, ई के बाद क्या आता हमारा, एफ आता है, एफ शार्प हो गया। तो इस तरीके से हमारे वाला नोट कौन सा है, ई बी जी, ये जी शार्प हो गया हमारा, ए हो गया। तो अब मैं, मुझे ए नोट में यहाँ पे मिल गया, अब हमें क्या प्ले करना है, ए के सारे गामा पा धा नी सा प्ले करने हैं मेजर के। तो अब मैं इसको क्या करूँगा, इस नोट को प्ले करूँगा सा, ये हमारा सा हो गया, सा। अब सा रे, इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर बस हमें क्या करना है, गामा और निशा एक साथ कर देने, गामा और निशा एक साथ कर देना, हमारा मेजर का ए का प्ले हो जाएगा। सा रे गामा पा धा निशा सा नी धा पा मा गा रे सा, खुद बोल रहे नोट। अब आपको क्या करना है, सा नी धा पा मा गा रे सा रे गा मा पा ना पा धा नी पा धा नी सा, ए पे आ गया, लो में गया, ए पे आ गया, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा। अब देख लो अपने गामा और निसा, बस आपको मेजर पैटर्न में ध्यान रखना है, कहीं भी स्किल प्ले कर सकते हो, गामा और निसा, गामा निसा एक साथ कर देना, आप इजीली प्ले कर लोगे अपने सारे गामा पा धा नी सा पूरे फ्रेट बोर्ड पे, कहीं पे भी, लो में भी और हाई में भी। मैंने लो में क्या करा, यहाँ पे मैंने सा प्ले करा, सा पीछे गया नी
क्योंकि मैंने सा और नी इसके बराबर में क्यों लगाया, सारे सारे गामा पा धा नी सा, यहाँ पे मैंने नी सा एक साथ कर दिए थे तो सा नी भी तो एक साथ हो जाएंगे ना, सा नी लो में हो गया, सा नी धा पा मा गा रे सा, सारे गामा गामा एक साथ हो गए मेजर में, पा धा एक साथ नहीं थे, नी सा एक साथ थे, सारे अलग अलग थे, गामा एक साथ थे, पाधा अलग अलग थे, नीसा एक साथ थे, यहाँ पे हो गया। अब ये मेरा कौन सा प्ले हो गया, ये ए का हो गया, यहाँ पे बढ़ोगे ऐसा हो जाएगा, बी हो जाएगा, सी सी शार्प डी डी शार्प, ऐसे हमारे पूरे फ्रेट बोर्ड पे चलते रहेंगे। अब ये हो गया हमारा मेजर का, ये हमारा हो गया मेजर का। अब माइनर के अंदर आपको क्या ध्यान रखना है, माइनर के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि हमारे रेगा और पाधा एक साथ होते हैं। एक साथ कहने का क्या मतलब है, बिल्कुल बिल्कुल बराबर में नोट लग जाएगा उसके, बिल्कुल बराबर में हमारे नोट लग जाएगा, एकदम बिल्कुल बराबर में हमारा नोट लग जाएगा उसके। ये हो गया हमारे एक साथ, मतलब कि रेगा रेगा और पाधा, हमारे पाधा और रेगा एक साथ कर देना है। जैसे कि मैंने गामा और एक साथ करे थे नीसा, गामा और नीसा एक साथ करे थे, ऐसे हम रेगा और पाधा एक साथ कर देंगे। कहीं पर भी स्केल प्ले कर सकते हो आप माइनर का, कहीं पर भी, चाहे वो ए का हो, ए शार्प का हो, बी सी सी शार्प डी डी, कहीं पे भी। अब मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि अब मैं माइनर का बता रहा हूँ आपको, माइनर का किस तरीके से करना है, ये क्या है हमारा। अब हम प्ले करते हैं, चलो ए ए शार्प बी सी, सी शार्प माइनर का स्केल प्ले करते हैं। बहुत हार्ड है, बहुत हार्ड नहीं है, लेकिन आपके माइंड में आ रहा होगा यार सी शार्प माइनर का स्केल, लेकिन बहुत ईजी है, रेगा और पाधा एक साथ कर देंगे, बहुत ईजी है। अब देखते हैं हमारा कि ये हमारा सी शार्प नोट, क्योंकि ए ए शार्प, बी बी का शार्प नहीं होता, सी सी शार्प। अब हमें क्या करना है, रेगा और पाधा, रेगा पाधा कैसे हो जाएंगे हमारे, ये प्ले होएगा हमारा थर्ड स्ट्रिंग से। अगर आपको शेप्स ऑफ स्केल देखना है कि शेप्स ऑफ स्केल किस तरीके से प्ले होता है, तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया है, उसके थ्रू जाके चेकआउट कर सकते हैं कि हमारे शेप्स ऑफ स्केल होते क्या है, मतलब कि फिंगर पोजिशन है उसके अंदर सारी, कि हमारी कौन से फ्रेट पर कौन सी स्ट्रिंग पर कौन सी फिंगर आएगी। ये हो गया हमारे, और ये हो गया हमारा सा, ये हो गया हमारा सा। तो अब हमने क्या करा, रेगा और पाधा, ये हो गया हमारा सा, ये हमारा सा रे गा एक साथ हो गए, पा सा रे गा मा, ये हो गया मा पाधा, रेगा और पाधा हमने एक साथ कर दिया नी, और यहाँ पे हो गया हमारा सा एक छोड़ के, क्योंकि हमारे मेजर में एक साथ थे नीसा, यहाँ पे नीसा एक साथ नहीं होंगे क्योंकि माइनर का है। इसमें एक साथ कौन से होंगे, हमारे मेजर के और माइनर के हमारे अलग अलग हैं, इसमें एक साथ होंगे हमारे रेगा और पाधा। लेकिन हमारे इसका ध्यान रखना, अगर आपको शेप्स ऑफ स्केल देखना, ऊपर आई बटन में लिंक दे दिया, उसके थ्रू जाकर चेकआउट कर सकते हैं, कहीं पे भी पूरे फ्रेट बोर्ड पे कहीं पे भी आप स्किल प्ले कर सकते हो, कहीं पे भी आप कहीं पे भी ना स्किल प्ले कर सकते हो, यहाँ फर्स्ट फ्रेट से लेकर ट्वेल्थ फ्रेट तक कहीं पे भी जा सकते हो आप। बस आपको क्या ध्यान रखना है कि मेजर स्केल में, मेजर स्केल के अंदर गामा और नीसा एक साथ होते हैं, और माइनर के अंदर रेगा और पाधा एक साथ होते हैं। बस ये हो गया हमारा, हाँ एक चीज़ और कि मैंने ना आपको माइनर के अंदर लोगा प्ले करके नहीं दिखा, वैसे तो आपको शेप्स ऑफ स्केल में मिल जाएगा, लेकिन फिर भी तो लो में कैसे हो जाएगा हमारा, सा सा नी धा पा मा गा रे सा, सा रे गा मा पा धा नी नी सा, इस तरीके से लो में हो जाएगा। बाकी वो वीडियो देख लेना, बहुत हेल्पफुल है। बस आज की वीडियो में इतना था, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना, ताकि मेरे वीडियो आपको मिलता है। बस आज की वीडियो में इतना था, मैं मिलता हूँ आपको।